सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रबीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज देखें, फिर से हम आपको बताएंगे सैमसंग का डीसी इन्वर्टर, स्मार्ट इन्वर्टर जो कि इस वक्त हमें एरर दे रहा है। तो इस वक्त एरर शो करेंगे आपको और बताएंगे कि ये एरर क्यों आ रहा है और इसकी क्या वजह है। तो अभी हम यूनिट को ऑन कर लेंगे। जी देखें, यूनिट ऑन किया है, इस वक्त जो है वो 26 है, तो हम इसको कम कर लेंगे ताकि ये 16 पे चला जाए। और दोस्तों अभी हमने यूनिट को ऑन किया था, तो देखें ये E470 जो है वो एरर आ रहा है। तो इस वक्त यूनिट जो है वो मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो चुका है। देखें इंडोर बिल्कुल ब्लोर जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो ये एरर जो है वो आउटडोर का एरर है। तो देखें आपको आउटडोर की तरफ ले चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आउटडोर भी मौजूद है, तो दिखाते हैं आपको कि आउटडोर में आपको कैसे पता चलेगा कि ये E470 का ही एरर है। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें यहाँ पे कुछ LEDs हैं, तो ये देखें मैं भी जूम कर देता हूँ, तो देखें यहाँ पे ग्रीन और येलो और रेड तीन LEDs हैं, जबकि ग्रीन जो है वो मुसलसल जल रही है। इसके अलावा इस पर एक और भी LED है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ ग्रीन LED है, देखें तो ये सिर्फ जल और बुझ रही है कंटिन्यूसली। अब ये हमें एरर शो कर रही है, तो एरर कैसे शो कर रही है वो कैसे पता चलेगा। तो ये वाली जो LED है ये कंटिन्यूसली वर्किंग LED है, इसका मतलब है कि ये जो PCB है वो वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन जो एरर आ रहा है वो आपको इस LED से शो होगा। तो देखें यहाँ पे जो ग्रीन LED है वो मुसलसल कंटिन्यूसली जो है वो जल रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे PCB में एरर है। तो आगे चल के हम आपको PCB यूनिट में से बाहर निकालते हैं और इसकी मुकम्मल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है। और दोस्तों देखिए अभी PCB को बाहर निकाल लिया है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मसला क्या चल रहा है। तो देखें जब इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये देखें यहाँ पे लगा हुआ है जी माइक्रो कंट्रोलर और APROM, तो ये दोनों आपस में डेटा शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो इस तरह से ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो माइक्रो कंट्रोलर का ये हेल्पर है, तो ये हेल्प करता है माइक्रो कंट्रोलर में को काम करने के लिए। तो इसको जैसे कि कहते हैं इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये कि ये इसके साथ जो है वो काम करती है, डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इसके बाद ये जो है वो पूरा माइक्रो कंट्रोलर अपना फंक्शन कर रहा होता है। जब ये APROM ख़राब हो जाए या किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए या इसके साथ डेटा शेयर ना करें, तो फिर ये एरर जो है वो E470 डिस्प्ले पे शो होगा। तो अगर आप इसको चेंज कर लें, तो पहले तो ये चांस लें कि इसको चेंज कर लें और सेम वो APROM लगाएं, तो चांस है कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं ठीक होता है तो फिर क्या मसला और हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें ये जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है, जब ये ख़ुद भी ख़राब हो जाएगा और किसी वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट होगी या इसके देखें साइड्स पे कैपेसिटर्स वगैरह लगे हैं, कोई भी एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, तो फिर वो अच्छे से इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो फिर भी जो है वो E470 एरर शो कर सकता है। तो इसके लिए फिर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि APROM आया APROM ही ख़राब है या फिर के माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब है। लेकिन अगर APROM में इसके अंदर आते हैं जी 5 वोल्ट्स, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट्स भी अवेलेबल नहीं होंगे तो भी जो है वो ये मसला करेगी और जो है वो बिल्कुल भी माइक्रो कंट्रोलर सेंस नहीं कर पाएगा और ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपको E470 एरर डिस्प्ले पे शो करेगा। तो इस तरह से इसको चेंज कर लें या फिर इसके वोल्टेज वगैरह का मसला हो वो सही कर लें, तो ये जो एरर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर माइक्रो कंट्रोलर ही शॉर्ट हो चुका है तो फिर इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो फिर आप इसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो प्रोग्राम्ड होता है और अगर सेम ही किस्म का माइक्रो कंट्रोलर होगा तो आप इसको ठीक कर सकेंगे, अदरवाइज़
फिर ये पीसीबी जो है वो मुकम्मल तौर पे चेंज करना पड़ेगा और फिर ही ये मसला हल होगा। अब दोस्तों अगर आप इप्रोम के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और लाइक का बटन दबाएं, तो फिर हम इप्रोम पे भी मज़ीद वीडियो लेके आएंगे कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन करती है या बातचीत करती है, तो इसके बारे में मुकम्मल तफसील आपको देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आई होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो देखते रहें फॉरएवर टेक।